दोस्तों, मार्केट से लाकर रोस्टेड काजू और बादाम तो आपने बहुत खाए होंगे, बट क्या आपने सोचा है कि वो अपने दाम से दोगुने हो जाते हैं जब वो रोस्टेड होकर मिलते हैं। बट अगर हम इसको घर पर ही तैयार कर लेते हैं तो कितने पैसे बचेंगे और चुटकियों में हमारा काम भी हो जाएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि घर में जब हम इस तरीके के काजू बादाम बनाते हैं तो हमें उन्हें फ्राई करना होता है, बट आज मैं आपको सिर्फ 2 चम्मच देसी घी से आधा किलो काजू और बादाम रोस्ट करके दिखाऊंगी, और वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे परफेक्ट जो मसाले वाले नट्स होते हैं ना, उस तरीके के बनकर तैयार होंगे। इसको हम बनाएंगे माइक्रोवेव के अंदर और सिर्फ ये आपका 10 मिनट के ही अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम बादाम लेना है। इस तरीके की आप माइक्रोवेव सेफ बोल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 500-500 ग्राम के पैकेट्स लिए थे, तो आधे आधे पैकेट मैंने निकाल लिए हैं। तो कांच की जो है आपको इस तरीके की कोई भी मतलब बोल लेनी है। ये चपटा वाला मेरे पास जो है एक मतलब बर्तन है कांच का ही, तो ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कई बार जो ज़्यादा डीप बर्तन होते हैं उसके अंदर अगर आप ज़्यादा देर तक माइक्रोवेव करते हैं तो अंदर वाला जो भी खाना होता है वो कई बार जल्दी से अगर नहीं चला मिलता है तो वो जल जाता है। इसलिए चपटे बर्तन में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इस तरीके से कोई चीज़ पका रहे हैं तो उसको आप चपटे बर्तन में पकाइए। एंड इसमें अब मैंने मिला दिया है नमक और काली मिर्च। इसके साथ ही जो है इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। इसमें सिर्फ 3 ही मसाले लगते हैं, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला जो हम बाद में मिलाएंगे। तो घी डालने के बाद जब आप नमक और काली मिर्च डालते हैं तो ये अच्छे से चिपक जाता है मेवों के ऊपर। इसमें आप चाहे तो और भी कोई मेवा डाल सकते हैं, इसे मैं तो ज़्यादातर काजू बादाम ही बनाती हूँ, बट अगर आप चाहें तो अखरोट भी इसी तरीके से भून सकते हैं। तो अब मैं इसको रखने जा रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर, और कोई भी स्टील का बर्तन इसके साथ अंदर मत रखिएगा वरना इसके अंदर स्पार्क्स हो सकते हैं। तो बस मैंने बंद कर दिया है माइक्रोवेव को 900 वॉट्स पर माइक्रोवेव मोड पर। 3 मिनट के लिए इसको मैं माइक्रोवेव होने छोड़ूंगी। तो इसको बीच बीच में हमें चलाना है, इसलिए मैं प्रॉपर मतलब जो टोटल टाइमर है वो नहीं लगा रही हूँ। 3 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हम एक बार जो सारे नट्स हैं उनको चला देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का चपटा बर्तन नहीं है, गहरा बर्तन है कोई भी, तो फिर आप करीब 1 से 1.5 मिनट के बाद ही एक बार इसको सारे जो है काजू बादाम को अलट पलट दीजिए, वरना जो नीचे का जो है जो भी मतलब मेवा होगा या जो भी खाना होगा वो नीचे की तरफ से जलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा डीप है आपका बर्तन, गहरा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चपटा बर्तन है तो सब तरफ आराम से माइक्रोवेव में रेज फैल रही हैं, तो ये प्रॉपर जो है रोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है। 3-3 मिनट का टाइमर मैंने 2-2 बार मैंने लगा दिया था, और 3 मिनट के बाद ही मैंने इसको चलाया है। मतलब ऐसे जलने की प्रॉब्लम सिर्फ नट्स में ही होती है, अगर आप कोई खाना या लिक्विड बना रहे हैं तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो 2 बार इस तरीके से करने के बाद हमें लास्ट में 2 मिनट का टाइमर सेट करना है। 900 वॉट्स पर ही मैं यहाँ पर इसको रोस्ट करने रख रही हूँ। तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर टोटल आधा किलो क्वांटिटी, इसलिए मैंने करीब 8 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव होने रखा है, बीच बीच में चलाती रही हूँ। बट अगर आप कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको कम देर के लिए इसको माइक्रोवेव होने रखना है। तो इसका थोड़ा आपको अंदाजा लगाना, ऐसा नहीं कि आपने जो है 100 ग्राम या 200 ग्राम लिया तो भी आपको 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना, ऐसा नहीं है। तब आप 1-1 मिनट के लिए 3 मिनट मैक्सिमम करके रखिए, अगर आपका 200 ग्राम से कम है मेवे तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एक बार मेवे तो आप इससे ज़्यादा भी आपको टाइम लग सकता है। बट बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे वरना जो इनका जो है क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो गई, कड़कपन हो जाता है बाद में, तो उसको सही टाइम पर हमें रोक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी गरम गरम में ही मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, जितना आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं, बट इतना 3 चीज़ें काफ़ी रहती हैं। तो अब आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आ गया है, काजू भी कितने अच्छे से गोल्डन से हो गए हैं, और मसाला अच्छे से इसमें लिपट गया है। तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट रोस्टेड काजू बादाम रेडी हैं, और ये मेरे पास एक मेवों का ही बहुत अच्छा सा जार है जिसमें मार्केट से मेवे आए थे, तो मैं इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे कि किसी के सामने अगर आप सर्व करो तो उसको ये नहीं लगेगा कि आप इसमें आपने घर से बनाकर जो है नट्स को रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रोस्टेड नट्स आप बाहर से लेकर आए हो, और खाने पर भी इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। कोई भी आते जाते आराम से इसको निकाल कर खा लेगा, क्योंकि कच्चे जब रखे होते हैं ना काजू बादाम तो उतना अच्छे से खाए नहीं जाते हैं, बट अगर आप रोस्ट करके रख दोगे ना तो इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे बड़े सभी, आपको कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको फिनिश करो, तो ये फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये नमकीन होते हैं। तो बस आज का जो रेसिपी थी मैंने आपको शेयर करी है, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आगे भी ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।